हेलो जी, नमस्कार जमाता दी, राम राम। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। और आप भी बताएं कि आप सब कैसे हो और ठंड में सबका कैसा हाल है, तो जरूर बताएं। और यहाँ का व्यू देखिए मॉर्निंग का, और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना, पूछो मत। अभी 8 o'clock से यानी कि 8:30 का टाइम हो रहा है और अभी भी इतनी सारी धुंध पड़ी हुई है। ये देखिए इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन निकलना पड़ेगा क्योंकि घर का भी काम लगाया हुआ है। और ये जो है नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, तो ये डैडी जी ऊपर वाली स्टोरी को बना रहे हैं। ये देखिए ये इतना वर्क हुआ है, जो है ना डबल स्टोरी का जो लेवल है थोड़ा सा सामने वाले खेत के साथ थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और ये भी हमने थोड़ा जो यहाँ घर बनाया था ना, इसको भी हमने खोद के ही बनाया था। पहाड़ था, थोड़ी सी पहाड़ी थी, थोड़ी सी उसको खोद के बनाया है। और हमारा जो है यहाँ बन रहा है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अभी बहुत सारी धुंध पड़ी हुई है, तो पास में जाके आपको दिखाऊंगी कि कितना तैयार हुआ है और इसका कितना खर्चा हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मेरे को एक कमेंट भी आया है कि आप जो फाउंडेशन बनाई उसका भी खर्चा बताएंगे, कितना खर्चा आया इसका, तो उसको बताएंगे। पास में जाके बताऊंगी कितना काम हुआ है। और देखिए ये अभी बनाना बाकी है, पहले इसको ही तैयार किया है, फिर बाद में इसमें करेंगे। और इतनी ज़्यादा ठंड है ना, पता नहीं कैसे काम करेंगे अभी आगे। दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है, कि यहाँ का मौसम देखिए कैसा है। तो मिलते हैं, अभी नीचे जाके दिखाऊंगी आपको, लेकिन अभी नहीं जाऊंगी मैं, बाद में जाऊंगी, तो आफ्टरनून होगा ना उस टाइम जाऊंगी मैं। सरसों कैसे अच्छे से फूल गई है, और यहाँ का व्यू भी देखिए बहुत ज्यादा ठंडी है। और ये जो मैंने विशेष किया था ना, तो ये चारा जो है पशुओं के लिए तैयार हो गया है, इसको जौई बोलते हैं, जौई डाली हुई है, जो गेहूँ में तैयार होता है ना घास, तो वो वाली है। और ये देखिए माल्टे लगे, वो लगे हुए थे लेकिन कुछ नीचे भी गिर गए, और इनको माल्टे बोलते हैं। यहाँ माल्टे, मौसमी और एक मिठड़ा होता है, तो ये पता है माल्टा है कि मिठड़ा है, तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत मीठा है ये। और ऑरेंज का भी है गार्डन इस तरफ, वो बाद में आपको दिखाएंगे। अभी काफ़ी ऑरेंज निकाल भी लिए हैं, तो ये देखिए। अब मैं इस वक्त यानी कि 9 o'clock हो रहा है, और आवाज़ देखो पानी जैसे टिप टिप गिर रहा है, तो आपने सुना ही होगा कैसे जो है पानी गिर रहा नीचे, यानी कि बहुत ज्यादा पाला पड़ा हुआ है। तो अभी बाद में मिलती हूँ आपसे, तो अभी दिखाते हैं आपको कि जो घर का काम कितना हुआ है। तो ये देखिए ये पत्थर डाल दिए गए हैं सोलिंग के लिए, जो रफ बजरा डालते हैं ना उसके लिए डाला है। और ये पानी के जो है भर दिया रूम, तो ऐसे ही सारे रूम हमने भरे थे पानी से, ताकि जो मिट्टी है ना नीचे बैठ जाए। तो ये देखिए, और ये बरामदा है, ऐसे लग रहा है जैसे तालाब जैसा बन गया पानी का। घर का वॉक हुआ है, तो अभी जो है रफ डालेंगे, उसके बाद देखते हैं अभी क्या करते हैं। और ये जो लोटा रख रखा है ना, तो हम शाम को जोत लगाते हैं, तो देखिए नीम नीम को जो है सूखना नहीं छोड़ना चाहिए शाम के टाइम। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट
जरूर करें। तो आपको ना आगे का थोड़ा सा गार्डन भी दिखाएंगे। ये देखिए, जब हमने नीम डाली थी ना, तो ये थोड़े से छोटे छोटे पत्ते थे। मूली है, ये देखिए सौंफ है, और साथ में साग भी है। देखिए हरा भरा लग रहा है। और ये जो है अभी इतनी खाली जगह है, लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या करेंगे हम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।